सत श्री अकाल जी सारे नू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सक्सेस ट्री, सफलता के रुख विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित मिड्डा। हाँ जी दोस्तों, अज दी साडी करंट अफेयर्स दी क्लास, तां एक वारी प्लीज कन्फर्म करोगे कि मेरी वॉइस तुहानू प्रॉपर आ रही है? वी आर फेसिंग सम टेक्निकल इशूज, दैट्स वाई मैं कन्फर्म कर रहा कि मेरी वॉइस तुहानू प्रॉपर आ रही है, एक बार कन्फर्म कर दो। हाँ जी बच्चे, प्लीज जल्दी जल्दी कन्फर्म करो कि आवाज प्रॉपर आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वॉच? ओके डन, स्टार्ट कर दें। आप अज्ञा सा करंट अफेयर का सैशन, ज्यादा टाइम नहीं लवेंगे, स्टार्ट कर दें। ठीक है, द फर्स्ट थिंग ऑफ द डे, देखो साढ़े जेडे पेपर ने, इफ यू टॉक अबाउट द पीपीएससी एग्जाम्स, अगर आप पीपीएससी के एग्जाम्स की गल करते हैं, क्योंकि नवंबर के कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का एग्जाम है, हमने कल फंक्शनल मैनेजर का पेपर होया, तो होर भी जो पीपीएससी के एग्जाम होने ने, ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम पीसीएस का एग्जाम भी दो। तो अज मोस्टली जो कंटेंट मैं पढ़ाने वाला, मोस्टली पीपीएससी के रिलेटिड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी सारिया चीजा पीटर प्लस भी एग्जाम्स वास्ते भी ने, ठीक है, खास करके एक्साइज इंस्पैक्टर एग्जाम वास्ते भी बहुत कुछ है, बट ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इस इकोनॉमिक चीजा बहुत आप डिस्कस करने वाले। The first thing of the day, that is the government keen to keep capex growth supportive, that is CEA. हुण देखण नूं पढ़ण नूं बहुत टफ लग रहा है, एक्चुअल दे विच ये चीज है कि मैं बहुत सिंपल वे दे नाल तुहानूं समझाऊंगा। ठीक है, सब तो पहले CEA, that is the chief economic advisor of the country, chief economic advisor of the country, साडे भारत दे chief economic advisor, इन्हां दा नाम हैगा अनंथा नागेश्वरन, वी अनंथा नागेश्वरन, ए इंडिया दे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दे अंडर वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका काम की होता है बेसिकली ए इंडिया दा फाइनेंस, इंडिया दी ग्रोथिंग मैटर देखता है। एंड तुहानू पता है कि जो भी साडा बजट आता, यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता हर साल यूनियन बजट आता। ठीक है, जो यूनियन बजट आता है, यूनियन बजट तो एक दिन पहला, यूनियन बजट तो एक दिन पहला एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता है, इकोनॉमिक सर्वे तो सारे नो पता होगा, इकोनॉमिक सर्वे होता सरकार दे पिछले फाइनेंशियल ईयर दा चिट्ठा कि सरकार ने की किया। एंड इकोनॉमिक सर्वे जिहड़ा होता है वह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा प्रिपेयर किया जाता। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हुण साडे इंडिया दे जिहड़े चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी नूं देखदे हो एक जजमेंट दिता, इन्होंने की कहा, द गवर्नमेंट कीन टू कीप कैपेक्स ग्रोथ सपोर्टिव। नाउ व्हाट इज कैपेक्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हुण कैपिटल एक्सपेंडिचर हुंदा की है? देखो खर्चा, एक्सपेंडिचर की हुंदा? खर्चा बेसिकली दो तरह का हुंदा, एक हुंदा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हुंदा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो तरह का बेसिकली खर्चा होता है, एक होता कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हुण कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअल दे विच होता की है? ओ एक्सपेंडिचर, ओ खर्चा जिस दे नाल कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, जस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ठीक है, डेवलपमेंट करना, एसेट परचेज करना, किसी नवी कंपनी नू स्टार्ट करना, ठीक है, किसी नवी बिल्डिंग नू बनाना, नवी रोड बनाना, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो की हैगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिहड़ा कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ तुहानूं देके जा रहा हैगा, ठीक है, एक एसेट क्रिएट कर रहा तुहाडे वास्ते, वो जिहड़ा खर्चा हुंदा है उहनूं आपां कहिंदे आ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उहनूं आपां कहिंदे आ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुंदा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर नूं दे विच मोडिफिकेशन करना, एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दे विच मोडिफिकेशन करना, उहनूं कह दिंदे ने रेवेन्यू स्ट्रक्चर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वह बेसिकली किस लिए हुंदा? रेवेन्यू बूस्ट करने वास्ते हुंदा, रेवेन्यू बूस्ट करने वास्ते, दैट वॉज अ शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, बट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर एंड लॉन्ग टर्म बेनीफिट देके जाता है। तो इतने साडे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इन्होंने की किया कि गवर्नमेंट जी है, करंट गवर्नमेंट जी है, ये कैपेक्स के उत्ते वर्क कर रही है, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट करने के उत्ते वर्क कर रही हैगी है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ को हमेशा अपर लेके जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा है ग्रोथ को हमेशा अपर लेके जाएगा, यह साडे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का इतने दावा है। ठीक है, the capital expenditure will continue to support the economic growth momentum regained after the third COVID-19 wave, the chief economic advisor V. Anantha Nageswaran said on Friday. Clear? For the current financial year,
इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू एग्जीक्यूट द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 7.5 लाख करोड़ देन दैट इज द बिगेस्ट रियल इकोनॉमिक इंटरवेंशन। कि अगर सरकार इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाते 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर देती है, 7.5 लाख करोड़ रुपीज खर्च कर देती है, तो इस दे नाल साड़ी इकोनॉमी नू बहुत वड्डा सपोर्ट मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला मैनू यह दसो कि किसी नू डाउट है कैपिटल एक्सपेंडिचर की हुंदा, पता ना लग्या होवे, सब नू पता लग्या कैपिटल एक्सपेंडिचर की हुंदा, क्लियर जी? हां जी दसो फटाफट जल्दी जल्दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे विच किसी नू कोई डाउट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी कोई डाउट है? क्लियर ना? चलो हम आप चलते हैं अगे। क्लियर कैपिटल एक्सपेंडिचर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पता होना चाहिए कंट्री का कौन है एंड बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर की होंगे क्योंकि साढ़े पीपीएससी के एग्जाम थोरेटिकल क्वेश्चन जो होंगे ने स्टैटिक क्वेश्चन उस पूछा जा सकता है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। द नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यह बहुत वड्डी न्यूज है। इस दे विच की है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनवील्स द डॉक्यूमेंट फोकसिंग ऑन ई पेमेंट सिस्टम्स। देखो मोदी सरकार ने इंडिया दे विच एक नारा लाया कैशलैस इकोनमी, कैशलैस इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो ई पेमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, यूपीआई तो पेमेंट करना, कार्ड तो पेमेंट करना, मोबाइल फोन तो पेमेंट्स करना, यह सारिया चीजा बूस्ट करना यानी कि कैशलैस पेमेंट्स डिक्रीज करना। यह कोई आरबीआई का नवा एजेंडा नहीं है, आरबीआई इस उत्ते कई सालों तो वर्क कर रहा है। 2019 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने इंडिया दे विच डिजिटल पेमेंट्स नू बूस्ट करने वास्ते एक कमेटी बनाई 2019 आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स नू बूस्ट करने वास्ते एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के हेड बनाए गए नंदन निलेकनी एंड नंदन निलेकनी कमेटी ने इस उत्ते वर्क किया एंड आरबीआई नू रेकमेंडेशंस दिते कि किवे ई पेमेंट्स नू बूस्ट किया जा सकता है। बट हुन आरबीआई एक नवा विजन लेके आया, आरबीआई की लेके आया दैट इज द पेमेंट विजन्स ऑफ 2025, द पेमेंट विजन्स फॉर 2025 यानी कि आने वाले टाइम नू कवर करता होया कि आने वाले टाइम्स दे विच पेमेंट्स नू, ई पेमेंट्स नू होर अगे लेके जाना 2025 तक, पेमेंट विजन्स ऑफ 2025। इस दे विच आरबीआई ने 4E दा एक एजेंडा लॉन्च किया, 4E's Now, what are 4 E's? E-payments for everywhere, e-payments for everyone, everywhere, every time. E-payments for everyone, everywhere, every time. ए चार E's दा एक agenda RBI ने launch किता है गया, जिस दे चलदे हुए main objective की है गया कि हर customer इंडिया दे विच रहिंदा है, हर एक user जिदे कोल mobile phone है गया, जिदे कोल ATM card, debit card, credit card है गे ने, और डिजिटल पेमेंट टूवर्ड्स वधे एंड इंडिया इंश्योर करेगा, आरबीआई इंश्योर करेगा कि तुहाडी डिजिटल पेमेंट सेफ होएगी, सेफ सिक्योर पेमेंट, ठीक है। इदा नहीं है कि तुसी इत्थे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तुहाडे नाल कोई फ्रॉड होएगा, अगर तुसी बेसिकली इत्थे सेफ परपसिज दा जिहड़ियां आरबीआई दे द्वारा ऑथराइज्ड एप्स ने या यूपीआई एप्स ने उन्हां दा सहारा लोगे तां इत्थे बिल्कुल सेफेस्ट वे दे नाल तुहाडे तों पेमेंट्स करवाई जाएगी। इत्थे आरबीआई लेके आया 4E दा एक एजेंडा, 4E दा एक एजेंडा, ठीक है। हुण मेन चीज की इत्थे हैगी है ई पेमेंट्स, तां ई पेमेंट्स तां अपने विचों बहुत सारे यूज करदे आ रहे, सानूं पता है व्हाट आर ई पेमेंट्स एंड इंडिया दे विच जिहड़ा पेमेंट सैटलमेंट दा काम हैगा दैट इज डन बाय द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई बनया 2008 दे विच, इसका हेडक्वार्टर हैगा मुंबई दे विच, क्लियर। एंड इस दे जिहड़े मैनेजिंग डायरेक्टर ने इन्हां दा नाम हैगा दिलीप असबे। हुण मैं आना मेन क्वेश्चन से, इत्थे मेन परपस दिस परसन नंदन निलेकनी, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि 2019 दे विच आरबीआई ने कमेटी बनाई सी नंदन निलेकनी की कमांड दे विच, दैट इज फॉर द टू बूस्ट द ई पेमेंट्स। हु इज नंदन निलेकनी, ये कौन ने? नंदन निलेकनी इज प्रेजेंटली द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द इन्फोसिस कंपनी एंड द फॉर्मर सीईओ ऑफ द इन्फोसिस, बट एक होर उपलब्धि इन्हों के नाम हैगी है, ही इज द फाउंडर ऑफ आधार कार्ड, ही इज द फाउंडर ऑफ आधार कार्ड, नंदन निलेकनी 2008 दे विच। हालांकि आधार की हिस्टरी तो बहुत पुरानी हैगी है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक यूनीक आइडेंटिटी नू लेके इन्हां दी कमांड दे विच एक कमेटी बिठाई सी, ठीक है। उस कमेटी ने इत्थे की किया,
इन्होंने इन्होंने कमांड के कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रेकमेंड किया आधार या यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक 12 डिजिट का नंबर एक बंदे की यूनीक आइडेंटिटी इतने दर्शाएगा, दैट इज द नंदन नीलेकणी कमेटी, नंदन नीलेकणी कमेटी। एंड ही वो हुण आधार जो बनिया उसनू एग्जीक्यूट करने वास्ते 2009 एक बॉडी बनाई गई सी, दैट इज द यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इस बॉडी के पहले चेयरपर्सन बनाए गए थे नंदन नीलेकणी साहब, नंदन नीलेकणी साहब। क्लियर हो रहा है, पता लग रहा है? हुण थोड़ी जी होर गल करांगे आपां यूआईडीएआई दी। देखो जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिहड़ी सीगी इह बणता 2009 दे विच गई सीगी, एंड 2009 दे विच इसने वर्क करना भी स्टार्ट करता, बट उस तो बाद आधार नूं लैके बड़े इशू आए, तो सरकार ने सोचा कि यूआईडीआई नूं इत्थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिता जाए, तो इसनों कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट दे विच इसनों लैके बिल लैके जाया गया, इसनों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला बट इसनों स्टैट्यूटरी बॉडी का एक स्टेटस दिता गया, स्टैट्यूटरी बॉडी। बिकॉज स्टैट्यूटरी बॉडीज की होंगे ने इहो जी बॉडीज जिन्होंने लैके आप पार्लियामेंट दे विच एक्ट प्रेजेंट करते हैं, सैपरेट एक्ट, तो एक एक्ट इसनों लैके भी आया, दैट इज द आधार टारगेटिड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सबसिडीज बेनीफिट्स एंड सर्विसिज एक्ट ऑफ 2016, जिन्होंने शॉर्ट दे विच आधार एक्ट ऑफ 2016 भी किया गया। ये 12 जुलाई 2016 नूं गवर्नमेंट ने इत्थे पास किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हुण इत्थे एक कन्फ्यूजन पॉइंट क्लीयर कर रहा, देखो जदों आधार इनिशियली बनया सीगा, यानी कि यूआईडीआई इनिशियली बनया सीगा 2009 दे विच, दैट वॉज वर्कड अंडर द प्लैनिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ने अंदर वर्क करता सीगा वो इनिशियली, क्योंकि उस टाइम तो साडा बेसिकली प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वर्क करता सीगा, हुण तां नीति आयोग आ गया, बट उस टाइम ते प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वर्क करता सीगा 2009 दे विच, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन दे अंडर इनिशियली वर्क करता सीगा यूआईडीआई, बट 2016 दे विच जदों सरकार ने इसनों स्टैट्यूटरी स्टेटस दिता उस तो बाद ए वर्क करता हैगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस तो बाद आधार दे विच एक अमेंडमेंट एक्ट भी आया 2019 दे विच, क्लियर 2019 दे विच। अगे गल करिए 2009 दे विच यूआईडीआई सरकार ने बनाई, एंड पहला आधार कार्ड बनाया गया 29 सितंबर 2010 नू, एंड पहला आधार कार्ड बनया सीगा रंजना सुनावणे दा, रंजना सुनावणे दा, शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, इन्हां ए पहली लेडी सीगी जिन्हों आधार कार्ड मिलिया सीगा, आधार कार्ड मिलिया सीगा, एंड ए दिता गया सीगा सोनिया गांधी ते मनमोहन सिंह दे द्वारा, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलकर पहला आधार इतने दिता सीगा रंजना सुनावणे नू, रंजना सुनावणे द फर्स्ट आधार कार्ड। हां जी, एनी डाउट? हां जी गाइस, कोई डाउट है किसी नू? देखो बच्चे, पेमेंट फेड का जो इशू आता है ना वह सर्वर कारण आ जाता है, एंड दैट इज अ बैंक प्रॉब्लम। अगर तुम कंटिन्यूसली इदा दे इशू स्पेस होंगे ने, तुसी आरबीआई ते कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई बैंक्स दे उत्ते एक्शन लैंदा अगर तुसी कंप्लेंट फाइल कर दे हो तो, ठीक है, क्लियर। चलिए अगे, किसी नूं कोई डाउट हैगा आधार बारे? क्लियर होया? देखो नंदन नीलेकणी एक राइटर भी है एंड पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, ठीक है, एंड प्रेजेंटली द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द इंफोसिस ग्रुप, क्लियर। रंजना सुनावणे फर्स्ट आधार कार्ड। चलो उस तो बाद ना आधार नूं लेके होर भी बड़े सारे इशू आ चुके ने, ठीक है। प्राइवेसी नूं लेके, राइट टू प्राइवेसी, दैट इज इन 2017 सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हेड किया सीगा राइट टू प्राइवेसी नूं लेके। उस तो बाद 2013-14 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा सीगा कि सरकार बाउंडेड नहीं कर सकती किसी बंदे नूं आधार कार्ड नूं लेके, बट उस तो बाद बहुत सारी जजमेंट्स आईया, एंड अज स्टेटस तुहाडे सामने हैगा ही है, क्लियर जी। चलो नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज 2 kids इन काबुल गुरुद्वारा अटैक। हुण तुसी कहोगे कि सर अटैक वाली खबर क्यों पढ़ा रहे हैं, अटैक वाला तो कुछ इत्थे पेपर दे विच नहीं आंदा, सानू अटैक नाल लेना देना नहीं है, सानू गुरुद्वारे नाल लेना देना गुरुद्वारा, बिकॉज आपां पंजाब एग्जाम्स दे विच अपीयर होण वाले हां, तां आपणा जिहड़ा मतलब हैगा उह हैगा गुरुद्वारे नाल। गुरुद्वारा क्यों? पंजाब जीके, पंजाब जीके, बहुत सारा स्टैटिक पार्ट पढ़ांगे आपां इस दे विच, पंजाब जीके। हुण गुरुद्वारे दी गल हुई है इत्थे, अफगानिस्तान दे विच जदों आपां गल करदे आ इत्थे, ठीक है, तां इत्थे तालिबान ने कैप्चर किया सारा कुछ, तां तालिबान
ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਨ। ਕਰਤੇ ਪਰਵਨ, ਕਰਤੇ ਪਰਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਆ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਬੁਲ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪਰਵਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੋ ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ? ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 100 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਕੀ ਸਿਰਫ 100 ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ SGPC, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ SGPC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਰਾਜਾ ਰੂਜਾ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਹੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹੰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਲੀਗਲ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, 175 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪੋਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਗੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ। ਦੇਖੋ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਡੀਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 150 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਤਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ। ਹੁਣ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਇਨ ਐਂਡ ਗਿਵ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦ ਬਾਗ ਟੂ ਦ ਅਕਾਲੀਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਭਾਲ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਰੀਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਐਂਡ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸਕਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸਕਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸਕਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਜੈਤੋ ਪੈਂਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਟ, ਚਮਗਾਦੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਮਗਾਦੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਬੂ ਬੈਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੀਸ ਇੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਸਪੀਸੀਸ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਬੂ ਡਵੈਲਿੰਗ ਬੈਟ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟ ਇੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੌਂਗ ਖੈਲੀਅਮ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਨੌਂਗ ਖੈਲੀਅਮ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਉਸ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾ ਤੇ ਫੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਲਿਸਕਰੋਪਸ ਮੇਘਾਲਿਆਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਿਸਕਰੋਪਸ ਮੇਘਾਲਿਆਨਸ।
इथे बैट नु एक नाम दिता गया बहुत छोटी है साइज दी है ठीक है दिसा जा रहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज तो इतने इधरले साइड इंडिया दे विच पाई गई हैगी है ठीक है एंड इथों सैंपल जोर लिते गए इसकी जी स्पीड हैगी है दैट इज द अप्रोक्सीमेटली बेसिकली स्पीड नहीं कह सकता कि ये ट्रैवल करके आई है लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तो उधरों की आई है बैट इधर ट्रैवल करके एंड बैट नु लेके इथे बहुत सारे इथे डिसीजेस ऑलरेडी इंडिया दे विच चल रहे ने ते इस नु लेके जेड़ा बेसिकली रिसर्च हैगी ऑनगोइंग है ओह ऑनगोइंग है दैट इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ द ग्लिसक्रोपस मेघालयनस मेघालयनस हां जी ये नाम ध्यान दे विच रखियो कई बार क्वेश्चन होंगे इनू लैके भी पेपर दे विच ठीक है इनू लाइटली नहीं लेना कि औखा जा नाम लग रहा है इनू लैके भी पेपर दे विच क्वेश्चन होंगे इनू लैके भी पेपर दे विच क्वेश्चन आंदा हैगा हां जी नैक्सट द प्राइम मिनिस्टर लॉन्चिज अ स्लू ऑफ प्रोजेक्ट्स इन गुजरात देखो मोदी जी गुजरात गए उते कई सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन किया क्यों गरीब की थाली में पुलाव तो आएगा क्योंकि देश में चुनाव आने वाला है ठीक है गुजरात दे विच इलेक्शन ने गुजरात दे विच इलेक्शन हैगे ने उस दे चलदे मोदी जी ने गुजरात दे विच जाके कई सारे प्रोजेक्ट्स नु इनॉग्रेट किया ठीक है हुण कई सारे प्रोजेक्ट सीगे जिथे इन्होंने इनॉग्रेट किया तो सब तो पहला 21,000 करोड़ रुपया इथे इन्होंने इथे लॉन्च किया है ठीक है 21,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इन्होंने इथे लॉन्च किए जिस दे विचों 357 किलोमीटर का रेलवे कोरिडोर 16,000 करोड़ रुपया खर्च किया 16,000 करोड़ रुपया खर्च करके एक डेडिकेटेड फ्राइट कोरिडोर मतलब माल गड्डिया वास्ते कोरिडोर बनाया गया है 357 किलोमीटर का जेड़ा कि पालनपुर तो लैके मदार सैक्शन दे विच चलूगा ठीक है उस तो बाद कई सारे इतने सूरत उधरा सोमनाथ ते कई सारे रेलवे स्टेशन दा दैट इज लाइक साबरमती रेलवे स्टेशन दा इन्होंने रीडेवलपमेंट दा वर्क स्टार्ट किया उस तो बाद 1,38,000 घर बनाए जाएंगे जिन्हां दे वास्ते 1,800 करोड़ अर्बन एरिया 1,530 करोड़ रुपया पेंडू इलाके 1,800 करोड़ शहरी इलाके 1,530 करोड़ रुपये पिंड वाले इलाके खर्च करके 1,38,000 घर बनाए जाएंगे लोगों वास्ते दैट इज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना एक घर बना के इतने दिते जा रहे हैं ठीक है उस तो बाद वडोदरा के नेड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बनाया जाऊगा वडोदरा के नेड़े जिस बनाने वास्ते लगभग खर्चा आऊगा 425 करोड़ रुपया 425 करोड़ के खर्चे के नाल एक कैंपस बनाया जाऊगा 2500 स्टूडेंट इतने रह सकते हैं पढ़ सकते हैं क्या उस तो बाद अगे चलिए ता एक मुख्यमंत्री मातृशक्ता योजना भी लॉन्च की है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना इतने लॉन्च की गई एक स्कीम मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना प्रेगनेंट वूमेन्स वास्ते ठीक है या फिर जिन्हें बेसिकली रीसेंट अगर बेबी होया हो वास्ते 2 किलो चिकपीस 1 किलो तूर दाल 1 किलो एडिबल ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हों दिता जाऊगा ठीक है हर महीने कितों मिलेगा आंगनवाड़ी सेंटर चो इन्हों दिता जाऊगा 120 करोड़ रुपए सरकार ने इस दे लई अप्रूव किए 120 करोड़ रुपए सरकार ने इस दे लई अप्रूव किए दैट इज द मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना क्लियर जी एनी डाउट यस दैट इज द धोलदरा एयरपोर्ट दैट इज द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इथे बनाया जा रहा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इथे बनाया जा रहा है क्लियर जी चलो द नेक्स्ट अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इस दिन आप बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें पढ़ांगे कवर करांगे इट इज द गवर्नमेंट दैट डिसाइड टू सेंड बिल्स टू द स्टैंडिंग कमेटीज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देखो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब बेसिकली कोटा राजस्थान तो एमपी ने ठीक है कोटा राजस्थान तो एमपी से बट जदों कोई बंदा स्पीकर बन जाता यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता हाउस का तो उन्होंने अपनी कुर्सी छड़नी पैंदी है ठीक है उन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग करना पैंदा है यह पहली चीज है ठीक है हुण स्पीकर साहब ने इत्थे अपनी एक न्यूज दिती पहली चीज तो स्पीकर साहब ने इत्थे कहा कि 2020 तक कोरोना वायरस चल रहा है हाउस नहीं मिल पाया होगा कई बार मीट मतलब सैशन नहीं हो पाए होंगे शॉर्ट सैशन होंगे बट हाउस की एफिशियंसी इतने बहुत इंक्रीज हुई है उस तो बाद कई सारे ना इतने एलीगेशन आ रहे हैं कि सरकार जी हैगी है डिमांड फॉर ग्रांट्स बिल जे आते हैं उन्होंने इतने स्टैंडिंग कमेटीज नहीं भेज रही तेन पता है साढ़े को कुछ पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटीज होंगे ने ठीक है जिन्हों का वर्क होंगे इतने
डिफरेंट डिफरेंट परपज लिए बनाया जाता है, जस्ट लाइक कुछ डिपार्टमेंटल कमेटीज होंगे ने जिन्होंने बनाया जाता है कि जेडे जेडे डिपार्टमेंट के उत्ते बिल आएंगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स बिल आएंगे, उन्होंने उत्ते चर्चा करना, एडवाइस देना, ठीक है। तो सरकार बिल नहीं भेज रही, तो इतने की किया गया, ठीक है, एक गवर्नमेंट की मर्जी हैगी है कि बिल स्टैंडिंग कमेटी भेजना है कि नहीं भेजना, कि बिल भेजना नहीं भेजना, ठीक है। ओपोजिशन कई सारे इतने कंप्लेट्स कर रही है पार्लियामेंट के, यानी कि स्पीकर कई सारिया कंप्लेट्स आ रही है कि इतने मेनली जीरो आर सही तरीके वर्क नहीं कर, जीरो आर्स से चलते हुए, या फिर बहुत सारे इतने डिमांड फॉर ग्रांट्स बिल है जेडे कि इतने भेजे नहीं जा रहे सानू। इन्होंने इतने कहा कि गवर्नमेंट की मर्जी हैगी है कि बिल स्टैंडिंग कमेटीज भेजने या नहीं भेजने, कोई फोर्स नहीं किया जा सकता। तो आप मेन इतने की डिस्कस करेंगे कमेटीज है। सब तो पहला तो इतने क्वेश्चन आर से जीरो आर की गल हुई, मैं जीरो आर से क्वेश्चन आर क्लीयर कर देना। देखो क्वेश्चन आर की होंगे, बेसिकली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग डे का जो पहला घंटा होंगे उन्होंने क्वेश्चन आर कहते हैं, क्वेश्चन आर तो रीसेंटली बाद जो टाइम स्टार्ट होंगे उन्होंने जीरो आर कहते हैं, ठीक है, लगभग 12 बजे, ठीक है, उन्होंने जीरो आर कहा जाता। उस तो बाद अगे चलते हैं, तो बहुत सारी कमेटीज पार्लियामेंट के होंगे ने। सब तो पहला साढ़े को लगी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक कमेटी 1921 पहली बार बनाई गई थी। इस 22 मैंबर होंगे ने, 15 लोकसभा तो 7 राज्यसभा तो, ठीक है जी। मैंबर जो होंगे ने लोकसभा राज्यसभा के मैंबर के ही चुने जाते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि ऑल पार्टीज गैट ड्यू रिप्रजेंटेशन। मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मैंबर, इन्हें 22 मैंबर्स दे विच कोई मिनिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है जी। चेयरमैन जड़ा आएगा इन्हें स्पीकर अपॉइंट करेगा इन्हें मैंबर दे विच, ठीक है। बेसिकली चेयरमैन जड़ा होंदा ओपोजिशन पार्टी तो होंदा, चेयरमैन जड़ा आएगा ओपोजिशन पार्टी तो होएगा। इसका काम की होंदा, कैग दी जिहड़ियां रिपोर्ट्स आईयां उन्होंने इत्थे एग्जामिन करना, कैग दी जिहड़ियां एनुअल रिपोर्ट्स आंदियां ने, एडिट ऑडिट रिपोर्ट्स आंदियां ने, उन्होंने इत्थे एग्जामिन करना। अगे गल करिए एस्टीमेट्स कमेटी, इस दे विच 3 मैंबर होंदे ने सारे लोकसभा दे, सारे लोकसभा दे मैंबर्स नूं सलाना चुने जांदा, हर साल इन्हां नूं रिप्लेस कीता जांदा, चुने जांदा हैगा, ठीक है। मिनिस्टर मैंबर नहीं हो सकदा, स्पीकर जिहड़ा हैगा उह इत्थे चेयरमैन नूं अपॉइंट करेगा, चेयरमैन जिहड़ा हैगा उह रूलिंग पार्टी तो होगा, बेसिकली बजट एस्टीमेट्स नूं इत्थे सजेस्ट करना, बजट एस्टीमेट्स नूं सजेस्ट करन वास्ते इत्थे एस्टीमेटेड कमेटी बनाई जांदी है, एस्टीमेट्स कमेटी बनाई जांदी है। उस तो बाद नेक्स्ट साढ़े को कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स को लेके, इस बेसिकली दिस इज द सेम कमेटी जी आप इतने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इज द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज जिंदा बेसिकली ओम बिरला जी ने गल की, तो इतने साढ़े को टोटल 24 कमेटियां ने, 24 कमेटियां ने, ठीक है। तो देखो 1993 रूल्स कमेटी की रेकमेंडेशन से 17 डिपार्टमेंटल कमेटीज बनाई गई, उस तो बाद 2004 7 होर कमेटियां ऐड की गई, टोटल 24 कमेटियां ने। हर कमेटी के 31 मैंबर होंगे ने, 21 लोकसभा तो 10 राज्यसभा तो, ठीक है जी। लोकसभा के जो मैंबर होंगे ने इन्हों स्पीकर नॉमीनेट करता है, राज्यसभा के मैंबर राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नॉमीनेट करते हैं। इन्हों की टर्म 1 साल की होंगी, तो कोई भी मिनिस्टर मैंबर नहीं हो सकता, कोई भी मिनिस्टर मैंबर नहीं हो सकता। हुण 24 कमेटियां दे विचों 8 तां राज्यसभा दे अंदर वर्क करदियां ने, 16 लोकसभा दे अंदर वर्क करदियां ने, 8 राज्यसभा च 16 लोकसभा दे अंदर वर्क इत्थे करदियां ने, ठीक है। इस चीज़ नूं ध्यान दे विच तुसीं रखोगे। स्टैंडिंग कमेटी जिहड़ी हुंदी है इह पार्लियामेंट दे विच बजट नूं होर इफेक्टिव लैके आउण वास्ते बनाई जाती है। इसका मेन फंक्शन की होंदा है, जिहड़े डिमांड फॉर ग्रांट्स इत्थे बिल आउंदे, देखो डिमांड फॉर ग्रांट्स की होंदियां ने तुसी देख दो, जो बजट होंगे ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन हो होंगे ने, तो एक्चुअल जो बजट प्रिपरेशन स्टार्ट होंगी है ना, बजट की प्रिपरेशन ना अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जी होंगे ने अपने अपने लैवल से अपने अपने प्रोजेक्ट्स तैयार कर दिया ने कि सानू आने वाले फाइनेंशियल ईयर वास्ते कितना कितना पैसा कड़ी असी नवी स्कीम लेके आनी है उसके वास्ते कितना कितना पैसा चाहिए, उन्होंने कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स बिल, डिमांड फॉर ग्रांट्स बिल की कितना पैसे दी सानू डिमांड हैगी है, ठीक है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट बिफोर दे आर डिस्कस्ड एंड वोटेड इन लोकसभा टू एग्जामिन बिल पर्टेनिंग टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स, ठीक है। बट जिहड़ियां रेकमेंडेशन स्टैंडिंग कमेटीज देंदियां ने इह एडवाइजरी ने, बाउंडेड नहीं हुंदियां, दीज आर जस्ट एडवाइजरीज, नॉट बाउंडेड, ठीक है। उस तो बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होंगी है, ए हाउस का जो बिजनेस है उन्होंने रेगुलेट करने का काम करती है। लोकसभा की कमेटी के 15 मैंबर होंगे ने, राज्यसभा कमेटी के 11 मैंबर होंगे ने, डिफरेंट डिफरेंट दोनों के
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲਸ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਮੇਟੀ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨੈਸਕੋਸ ਕਿੰਗ ਹਮਦ ਬਿਨ ਈਸਾ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂਲਸ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹਮਦ ਬਿਨ ਈਸਾ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ 2021 ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪੀਐਮਈ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੱਡੀ ਲਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪੀਐਮਈ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂਲਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਹਰੇਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਰੇਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਡਰੇ ਅਜ਼ੌਲੀਅਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਚਾਈਨਾ ਗੈਟਸ ਇਟ ਥਰਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰੀਅਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰੀਅਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫੁਜੀਆਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰੀਅਰ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਤਾਈਵਾਨ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਸ ਚਾਈਨਾਸ ਪਲਾਨ ਫੋਰ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਰਡਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਸੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਐਸਸੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਰਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋਲੀਡਾਰਿਟੀ 2023 ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਸਸੀਓ
शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2001 दे विच हुई सी शंघाई चाइना दे विच। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान एंड रशिया एंड तजकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इन्हां कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट किया एंड साइन किया शंघाई कारपोरेशन कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर, ठीक है, 2002 दे विच। उस तो बाद 2017 दे विच, जून 2017 दे विच अस्तारा दे विच एक मीटिंग हुई थी, इंडिया ते पाकिस्तान नूं वी फुल मैंबर दा दर्जा इत्थे दित्ता गया। हुण इह करदा की है, एससीओ करदा की है, एससीओ कंट्रीज एक दूसरे नूं सपोर्ट करदे ने, दैट इज इन द कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ते होर कई सारे एरियाज दे विच एक दूसरे दे नाल सपोर्ट करते हुए चलते हैं। दिस इज द मेन वर्क ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दे विच बेसिकली दो तरह की बॉडीज या कमेटीज वर्क करती हैं, एक हैड ऑफ स्टेट, ठीक है, एक हैड ऑफ गवर्नमेंट्स, एक हैड ऑफ स्टेट, एक हैड ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। हैड ऑफ स्टेट काउंसिल की करती है, दैट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एससीओ, ए डिसीजन मेकिंग बॉडी हैगी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर्स के उत्ते, ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट मैटर्स के उत्ते गाइडलाइंस वगैरह इशू करती है। उस तो बाद हेड ऑफ गवर्नमेंट की करती है, ए हर साल मिलती है ते मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ते स्ट्रेटजीज नू लेके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जिहड़े हुणे दस्से सी उहनां दे उत्ते वर्क करती है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जिहड़ी एसओ दी एसईओ दी ने रशिया ते चाइनीज ने, रशियन लैंग्वेज ते चाइनीज लैंग्वेज है, क्लियर। उस तो बाद हैड ऑफ स्टेट काउंसिल ते हैड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल दी जिहड़ी मीटिंग्स हुंदी ने इत्थे हुंदी है, उस तो इलावा कई सारी होर मीटिंग्स भी होंदियां ने, इट इज द फॉरन अफेयरस मिनिस्टर्स मीटिंग, डिफेंस अफेयरस मिनिस्टर मीटिंग, यानी कि एससीओ कंट्रीज दे डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, एससीओ कंट्रीज दे फॉरन मिनिस्टर मिलते हैं, तो होर भी कई तरह के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर मिल मिलकर मीटिंग्स करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स होंगे रहते हैं, बट टू इंपॉर्टेंट, दैट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर टू, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। उस तो बाद दो परमानेंट बॉडीज ने एससीओ दी, एससीओ दी दो परमानेंट बॉडीज ने, दैट इज एससीओ सैक्रेटरीएट जिहड़ा हैगा वो बीजिंग दे विच है, यानी कि एससीओ दा हैडक्वार्टर बीजिंग दे विच है, बट एक होर बॉडी है एससीओ दी, दैट इज द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रैट्स, रीजनल एंटी टैररिस्ट स्ट्रक्चर, यह हैगा ताशकेंट दे विच, उज्बेकिस्तान ताशकेंट दे विच, ठीक है जी। देखो रैट्स बेसिकली एससीओ कंट्रीज टैररिज्म नू रोकने वास्ते वर्क कर रही है, इस वास्ते एक रैट्स फोर्स इन्होंने बनाई हुई है, रैट्स फोर्स इन्होंने बनाई हुई है, दीज आर द एससीओ कंट्रीज, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। दीज आर द एट मैंबर्स ऑफ द एससीओ, एससीओ दे आठ मैंबर, बट इस दे नाल नाल एससीओ दे विच चार ऑब्जर्वर कंट्रीज भी ने, वो कड़िया ने, दैट इज अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, एंड छे डायलॉग कंट्रीज ने, अजरबैजान, आर्मेनिया, कैम्बोडिया, ठीक है, नेपाल, तुर्की एंड श्रीलंका, दीज आर द डायलॉग कंट्रीज, डायलॉग पार्टनर्स, तो यह तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ आर एग्जाम, साढ़े एग्जाम इदा के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन जाते हैं, इस बार भी एग्जाम कई सारे इतने बॉडीज में लेके क्वेश्चन आए थे, बॉडीज में लेके कई सारे क्वेश्चन इतने आए थे, दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह सा अज का करंट अफेयर का क्लास, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट सी, इस बहुत तरीके द्वारा देख सकते हो, कभी रिवाइज जरूर करियो ताकि सब कुछ कवर हो जाए। Now it's all for the day. Thank you so much. Take care.